लाऊंगा यार, कहता अपडेट नहीं है। देखिए बेटा, वेव एंड साउंड, तरंग एवं ध्वनि, लेक्चर वन हो गया है, ठीक है। तो लेक्चर वन चालू हो गया, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं। एक बात हम आपको एक बात और बताने जा रहे हैं बेटा, तरंग एवं ध्वनि लेक्चर वन चालू हो गया है। अब हम आपको एक बात बताएं, सभी लोग ध्यान दें कि जो लोग एसटी बैच पढ़ रहे हैं, तरंग एवं ध्वनि लेक्चर वन, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वेव, व्हाट इज वेव। बेटा आज की क्लास थोड़ी कम होगी, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ध्यान दो आप सभी लोगों को। एक बात बताएं, थोड़ा सा अभी एक अर्जेंट फ़ोन आने की वजह से आज एस टी बैच नहीं हो पाएगा। ये वाली क्लास चालू हो रही है, ये क्लास आज कराएंगे केवल, ठीक है। तो देखिए वेव क्या है, तरंग क्या है। तो तरंग वाले में आपको एक बात समझनी है कि वेव जो होता है तरंग, तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। और टेंशन मत लीजिए आप सभी लोग कि कोर्स को थोड़ा सा कवर कर दिया जाएगा, अभी छुट्टी वाले दिन लेकर के, एक दिन क्लास लेकर के सारे को चीज़ों को कवर कर देंगे, ठीक है। माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं, द वेव माध्यम उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस, वेव कहलाती वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द मीडियम, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द मीडियम। वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द मीडियम इज कॉल्ड वेव, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। अब तरंगों के प्रकार, ये तो तरंग हो गई, अब आता है कि तरंगों के जो प्रकार होते हैं, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वेव, तरंगों के प्रकार। तो तरंगों के प्रकार में देखिए नई यूनिट चालू हो गई है, टाइप्स ऑफ वेव। और एक बात समझ लीजिए, सारी क्लासेज अपडेट है, बार बार हमको परेशान करने की जरूरत नहीं है। हमने आज देख लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारी क्लासेस अपडेट हैं, कहाँ कैसे मिलेंगी। बहुत से लड़के कह रहे हैं सर जी क्लास अपडेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ध्यान दो, हम आज आपको दिखाते हैं कि कैसे क्लास अपडेट आपको चेक करनी है, ठीक है। देखिए पुराना ऐप है ये, पुराने ऐप में आप गए, ऑल फिजिक्स क्लासेस बाय वरुण सर। अब कुछ लोग पहले इसमें क्लास देखते थे, मैं बार बार समझा दे रहा हूँ, अब क्लासेस कुछ लोग ऐसे देखते ही हूँ, ऐसे क्लास देखी, उन्होंने कहा सर जी क्लास नहीं अपडेट है। देखो उनको लगता है कि क्लासेस अपडेट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक बात देखिए, एक्सरे प्रैक्टिस, लेकिन आप जब मैकेनिक्स देख रहे हो, आप मॉडर्न फिजिक्स देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स में देखिए 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 26 में दो है, फिर 27, 27 के बाद रेडियो एक्टिविटी 1, 2, 27 सेप्टेम्बर, ठीक है ना, 28, 29, 30, 30 को क्लास नहीं हुई थी, ठीक है ना, 27 सेप्टेम्बर तक की अपलोड है, 27 सितंबर के बाद की क्लासेस जो है वो मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो ये ध्यान दो कि 27 सितंबर के बाद आज हम आपको अपडेट करा के जाएंगे, ठीक है। अजीत भाई देखो रेडियो एक्टिविटी 2 27 सितंबर के बाद क्लास नहीं अपडेट है, तो एक बार चेक कर लो। उसके बाद देखो 26 सितंबर, 2 26 सितंबर, 27 सितंबर, इसको एक बार चेक करो हैं, हाँ वही रूम करो, अपडेट है ना, आज सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेव हम समझ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेव में अगर आ जाएंगे तो टाइप्स ऑफ वेव में क्या होगा, तरंगों के प्रकार में होगा, टाइप्स ऑफ वेव में होगा, ध्यान दो
तो टाइप्स ऑफ वेव में आपको समझना है कि जो तरंगों के प्रकार हैं, तो तरंगों के प्रकार में आपको दो तरीके समझने हैं, आप तीसरा तरीका ये नहीं। देखो दो तरीके कौन कौन से हैं, एक होती यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव ठीक, उसके बाद आती है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय दो तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दो चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग ठीक, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अब इनको हम डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान दो। यांत्रिक तरंग क्या होती है, यांत्रिक तरंगों में अगर आप आओगे तो यांत्रिक तरंग वाला पार्ट देखिए, यांत्रिक तरंग में आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब माध्यम आवश्यक हो, जब माध्यम की आवश्यकता हो, माध्यम आवश्यक हो, जब माध्यम आवश्यक हो, व्हेन मीडियम कंपलसरी, व्हेन मीडियम कंपलसरी हो, कंपलसरी ठीक। और एक बार ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या किया, जैसे कल कोई क्लास नहीं थी, मतलब 30 सितंबर नो क्लास, और 29 सितंबर को एसटी क्लास थी, 29 सितंबर को एसटी क्लास थी, 29 सितंबर को क्लास नहीं हुई थी, 28 सितंबर को क्लास हुई थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि 29 सितंबर और ये डेट वाइज हम लिख देंगे उसमें कि नो क्लास, ठीक है ना। तो क्लास उस दिन नहीं हुई थी, जिन दिन क्लासेस नहीं हुई है उसके बाद सीधे आपको 1 अक्टूबर, ये आपकी क्लास है 1 अक्टूबर की, ठीक है। तो ये 1 अक्टूबर की क्लास होगी डायरेक्ट, ठीक है। तो डेट वाइज जिनमें हॉलीडे होगी वो हम हॉलीडे लिख देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, जब माध्यम आवश्यक हो। और एक बात सुन लीजिए, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा ऑनलाइन में, ऑनलाइन में हमने आपको पूरा लगातार सब कुछ क्लासेस दी हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि इस समय ऑफलाइन बैच थोड़ा सेट करने में टाइम लग रहा है, थोड़ा एक बार ऑफलाइन बैच सेट हो जाएंगे सब, तो ऑनलाइन बैच आपका सब बराबर चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक दिन में 2-3 घंटे क्लास लेकर के कोर्स को जल्दी कवर कर दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। आपकी जो क्लासेस छूटी है उसमें मैं एक दिन आपको इकट्ठा 2-3 घंटे पढ़ा दूंगा, ठीक है। 2 घंटे पढ़ा करके, 2-2 घंटे पढ़ा करके कोर्स को कवर कर दिया जाएगा, ठीक। चलिए, तो जब माध्यम आवश्यक हो, व्हेन मीडियम कंपलसरी हो, जब माध्यम आवश्यक हो वो कहलाता है यांत्रिक तरंग, जब माध्यम की आवश्यकता ना हो व्हेन मीडियम इज नॉट नेसेसरी, व्हेन मीडियम इज नॉट नेसेसरी माध्यम की आवश्यकता ना हो, व्हेन मीडियम इज नॉट कंपलसरी, जब नेसेसरी आवश्यक नहीं है, माध्यम की आवश्यक नहीं है, ठीक। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगें हो गई, जब माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जब माध्यम आवश्यक ना हो, हैं विदाउट मीडियम चल पाए, माध्यम में भी फिर ये ब्रेक हो जाती है, दो भाग, यांत्रिक तरंगों के दो भाग हो जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें तो लिखेंगे कि ओनली वैक्यूम में चलेगी, ओनली वैक्यूम, निर्वात में गमन कर सकती हैं, ओनली वैक्यूम ऐसा नहीं है, ओनली वैक्यूम लिखा तो गलत, जरूरी नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि केवल निर्वात में चलती तो ये सेंटेंस गलत है, इट कैन ट्रेवल, ये चल सकती है दोनों में, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज मीडियम, मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है, एज वेल एज मीडियम दोनों में चल सकती है। अगर ओनली वैक्यूम लिखा है तो गलत है, ये निर्वात और माध्यम दोनों में चल सकती हैं, इसका ये मतलब होता है। इस देखो जरूरत नहीं है लेकिन मिल जाए तो ले लेंगे, समझो, तुम्हें भी जरूरत नहीं है लेकिन मिल जाए तो ले लेना, छोड़ना नहीं। तो निर्वात में चल सकती है, निर्वात में चल सकती है और माध्यम में भी चल सकती है, माध्यम में भी चल सकती है, निर्वात में माध्यम दोनों में चल सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो यांत्रिक तरंगें होती है ये होती है ओनली मीडियम, ठीक, निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ठीक, ये ओनली मीडियम, इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो ओनली मीडियम, ये ओनली मीडियम में चलेंगी, वैक्यूम में नहीं चलेंगी।
इसके दो भाग हो जाते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। बात समझिए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब हम पहले इनको डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करेंगे। ये तो प्रकार हो गए, तो इसके बाद हम आपको वही डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव के पार्ट को, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों के पार्ट को डिस्कस करेंगे, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक, और इधर लिखो अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होगी, जब माध्यम के कण लंबवत कंपन करें, जब माध्यम के कण, क्योंकि माध्यम के कण जो होंगे लंबवत कंपन करेंगे, माध्यम के कण लंबवत कंपन करें, व्हेन पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जब माध्यम के कण लंबवत कंपन करें, व्हेन पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली, लंबवत कंपन करेंगे माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं अगर, तो कहलाता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। और जब माध्यम के कण तरंग की दिशा में कंपन करें, जब माध्यम के कण तरंग की दिशा में, माध्यम के कण तरंग की दिशा में कंपन करें, when particles of medium vibrates, when particle of medium vibrates, माध्यम के कण जब पार्टिकल, when particle of medium vibrates टू एंड फ्रो, तरंग के आगे एंड पीछे, तरंग की दिशा में, तरंग की दिशा माने आगे पीछे, तरंग की दिशा के आगे पीछे कंपन करें, जिस दिशा में तरंग चल रही हो आगे पीछे कंपन करें, टू एंड फ्रो करें, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो में क्या होगा, देखिए कि आसपास आ जाएंगे इस, ऐसे ऐसे कंपन करें इस तरीके से, और इसमें कंपन होगा ऐसे, ये लंबवत कंपन का मतलब ऐसे कंपन होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, और ये हो गया ऊपर नीचे, ये तरंग चल रही है, ये तरंग चलने की दिशा के आगे पीछे कंपन कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, इससे क्या होता है, ये लंबवत कंपन करते हैं, तो इसका तरंग रूप, इसका तरंग रूप जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, ये तरंग रूप बनता, इसका तरंग रूप बनता है, इसका जो तरंग रूप बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऐसे 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 रूप, ठीक। तो होता क्या है कि ये जो पार्ट है, इसमें बताया जाता है कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग में जो पार्ट ऊपर की ओर मूव करता है उसको कहा जाता है श्रृंग, और जो नीचे मूव करता है उसे कहा जाता है गर्त। समझ में आई बात, श्रृंग को क्या कहते हैं, श्रृंग, श्रृंग माने होता है क्रस्ट, और जो गर्त होता है उसको कहते हैं ट्रो, ट्रो ट्रफ, ट्रफ माने गर्त, क्रस्ट माने होता है साम स्थिति के ऊपर जब कंपन होता है, साम स्थिति के ऊपर, साम स्थिति के ऊपर, अपर अबव मीन पोजीशन, अपर इन मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से अपर जब होता है तब क्रेस्ट होता है, बिलो मीन पोजीशन, बिलो मीन पोजीशन साम स्थिति के नीचे कहलाता है गर्त, ठीक, जब वो नीचे कंपन करती है तो गर्त कहलाता है। यहाँ पे आ जाओगे, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बात होती है कि जो पार्ट पास पास होता है उसे कहते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन, और जो दूर दूर होता है ये वाला पार्ट ये कहलाता है रेयर फ्रैक्शन, ये जो दूर दूर होता है इसे रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, ये कहलाता है पास पास वाला संपीड़न कहलाता है, ये कहलाता है विरलन। तो याद रखिए, संपीड़न माने जब पास पास आ जाते हैं, जब कण पास पास आते हैं तो संपीड़न, जब कण दूर दूर होते हैं तो विरलन,
जब अवे होते हैं तो दूर दूर होते हैं तो विरलन कहलाता है। इसे नोट करना कि पास पास आते हैं तो संपीड़न, दूर दूर होते हैं तो विरलन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि श्रृंग गर्त के रूप में अनुप्रस्थ तरंगें चलती, जहाँ श्रृंग और गर्त होता वो अनुप्रस्थ तरंग बनाता है, ट्रांसवर्स वेव बनाता है, और जो संपीड़न विरलन चलते हैं वो कहलाता है तुम्हारा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, क्लियर। इसके बाद पॉइंट जो अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, बेटा एक बात ध्यान दीजिए, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंग जो होती है यह केवल ठोसों में उत्पन्न की जाती है या केवल उनमें उत्पन्न होती है जिनमें दृढ़ता होती है, उनमें उत्पन्न होती है जिनमें दृढ़ता होती है, उनमें उत्पन्न होती है जिनमें दृढ़ता होती है, दृढ़ता, केवल उनमें उत्पन्न होती है जिनमें दृढ़ता होती है। इट ओनली प्रोड्यूस्ड इन रिजिड मीडियम, जिनमें जो रिजिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, जिनमें दृढ़ता होती है। एग्जाम्पल कहाँ, दृढ़ता किन में, तो ये उसमें उत्पन्न होगी, एग्जाम्पल ओनली सॉलिड, ये सॉलिड में उत्पन्न होती हैं, सॉलिड में दृढ़ता है। सेकंड, जल के ऊपर, जल की ऊपरी सतह पर डेवलप होती हैं, अपर सरफेस ऑफ वाटर में डेवलप होती हैं। इसके अलावा ये डेवलप होती हैं, जल में उत्पन्न हो रही है, अपर सरफेस ऑफ वाटर में उत्पन्न हो रही है, सॉलिड में उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ये उत्पन्न होती हैं किसमें, खिंची हुई स्प्रिंग, जो खिंची हुई होंगी, जैसे खिंची हुई स्प्रिंग, क्योंकि ये भी सॉलिड है, स्प्रिंग भी सॉलिड में आती है, खिंची हुई स्प्रिंग, खिंचा हुआ तार, जो भी स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच वायर, जिनमें भी तार वाला, जो जहाँ भी तार वाले वाद्य यंत्र होंगे वो सब अनुप्रस्थ तरंगे बनाएंगे, खिंची हुई स्प्रिंग, खिंचा हुआ तार, ये सब अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, ये सब कौन सी तरंगे हैं, ट्रांसवर्स तरंगे हैं। अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंगे लिखेंगे, ये द्रव और गैस में प्रोड्यूस नहीं होती, द्रव में नहीं होंगी, ऐसे कट कर दो, गैस में भी नहीं होंगी, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे, बड़ा फोन आ रहा है घर से, बहुत घर में थोड़ा काम होने का, बहुत अर्जेंट आ गया है। हेलो, भैया देखें कि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा, ये केवल ठोसों में, तो ये लिखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होती है, तीनों मीडियम में, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है, ये इट कैन प्रोड्यूस इन ऑल थ्री मीडियम, तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है। ध्यान देना, जैसे कि आपने समझा नहीं, अगर हम बात करें, ये जो खींची हुई स्प्रिंग थी इसको कट कर दो, बस आपको लगेगा ये सॉलिड है, ये खींची हुई स्प्रिंग काट दिया हमने, ध्यान देना, खींची हुई स्प्रिंग एग्जांपल है किसका, ये याद ध्यान देना, खींचा हुआ तार हो सकता है, क्योंकि स्प्रिंग ऐसे ऐसे दब करके वाइब्रेट करती है, तो खींची हुई स्प्रिंग नहीं करेगी, याद रखना, कभी भी खींची हुई स्प्रिंग कभी नहीं करेगी, खींचा हुआ तार कर सकता है, लेकिन खींची हुई स्प्रिंग, ये इसका एग्जाम्पल है, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग को खींचोगे, स्प्रिंग में जो तरंग आएगी वो अनुदैर्ध्य होगी, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कहलाएगी अनुदैर्ध्य। इसके अलावा जल के ऊपर नहीं जल के भीतर अगर कहोगे तो भी अनुदैर्ध्य, और ध्वनि तरंग, वायु में कोई भी तरंग है, गैस में कोई भी तरंग है, ध्वनि तरंग,
गैसों में कोई भी उत्पन्न तरंग है तो वो अंधेर ही होगी। इसके अलावा जितना भी फूंक मारने वाला वायु वाला फूंक मारने वाले कोई भी वाद्य यंत्र है, फूंक मारने वाले जैसे बांसुरी बीन सहनाई, बांसुरी बीन सहनाई नोट कर लेना बेटा, बांसुरी बीन सहनाई में अगर उत्पन्न है जितने भी फूंक मारने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो सब अंधेर तरंगे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। जितनी भी बांसुरी बीन सहनाई, जितनी भी वाद्य यंत्र वाली, जितने भी फूंक मारने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जितने भी फूंक मारने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो सब जितने भी फूंक मारने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो सब कहलाते हैं अंधेर तरंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना, अगर हम ये कहें अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोसों में उत्पन्न होती हैं परंतु अगर ये कह क्या है कि ठोसों में कौन सी, ठोसों में दोनों तरंगें होती हैं, ये ना लिखना कि ठोस में केवल अनुप्रस्थ। अगर आपने ये लिख दिया कि ठोस में केवल अनुप्रस्थ तो गलत हो जाएगा। अगर आपने ये लिख दिया ठोस में केवल अनुप्रस्थ तरंग, कुछ लोग ये सही है, ये सेंटेंस गलत है, ठोस में केवल अनुप्रस्थ गलत, अनुप्रस्थ केवल ठोसों में, ये सही है, अनुप्रस्थ केवल ठोस में तो ये सही है। लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा लिख देते हैं कि वो भी सही होगा, अनुप्रस्थ केवल ठोस में, ट्रांसवर्स ओनली इन सॉलिड, ये बात ध्यान दो, ट्रांसवर्स ओनली इन सॉलिड, ये तो सही है कि ट्रांसवर्स केवल सॉलिड में होगी, लिक्विड गैस में नहीं होगी, बट इन सॉलिड, अगर आपने ये लिख दिया बट इन सॉलिड ओनली ट्रांसवर्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड में दोनों होती हैं, ठोसों में दोनों तरंगें उत्पन्न होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, और सॉलिड में इन सॉलिड बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल बोथ, बट ट्रांसवर्स ओनली इन सॉलिड ट्रांसवर्स केवल सॉलिड में है, तो ये तो सही है, ट्रांसवर्स ओनली इन सॉलिड ये सही है, बट इन सॉलिड ओनली ट्रांसवर्स ये गलत। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताई है, इसको नोट करिए। ठीक है, थोड़ा सा माइंड बहुत डाइवर्ट है, पढ़ाने का बिल्कुल नहीं आज मन हो रहा, क्योंकि घर में तबीयत नहीं ठीक है, फोन आया, इसलिए मैं बस क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने क्लास नहीं करी थी, तो आपका जो टॉपिक छूटे ना इसलिए मैं क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगला देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपने समझ लिया कि हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का डिफरेंस आपको बता दिया, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का डिफरेंस हमने आपके सामने क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे देखने जा रहे हैं। हमने आपके सामने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डिस्कस कर दिया है, अब अगला पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डिस्कस हो चुका है, अगला पार्ट आपके सामने जो डिस्कस होने जा रहा है वो क्या है, जरा ध्यान देंगे, वो पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डिस्कस हो गया, इसके बाद हम आने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एग्जांपल है विद्युत चुंबकीय तरंगों के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले लिखोगे स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, वेलोसिटी प्रकाश के वेग से चलती है, वेलोसिटी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, प्रकाश के वेग के बराबर, इक्वल टू c। तीसरा पॉइंट है न्यूट्रल होती हैं, न्यूट्रल उदासीन होती हैं, बट याद रखना कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी मीडियम में आएगी तो मीडियम में वो किसकी तरीके बिहेव करेगी, तो मीडियम में आने के बाद वो हमेशा बिहेव करेगी ट्रांसवर्स वेव की तरीके। याद रखना ये क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जब मीडियम में आएगी, जैसे अगर आ जाए विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्यान दो, विद्युत चुंबकीय तरंग जब माध्यम में आएगी, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे कहें लाइट, प्रकाश,
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, हम एक बार बताने जा रहे हैं। प्रकाश जो है जैसे सूर्य की रोशनी निर्वात में भी चलती है, वहाँ से चलती है, तो जैसे ही वो माध्यम में प्रवेश करती है तो फिर प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग कहा गया है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है। तो याद रखना कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी मीडियम में नेचर पूछ रही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीडियम में नेचर पूछे, तो ट्रांसवर्स वेव की तरीके बिहेव करेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय के प्रकार क्या है? तो सबसे पहले आता है गामा रे। तो गामा रे के कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गामा रे सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में है, ध्यान देना। गामा रे खोजकर्ता कहलाएगा हेनरी बैकुरल। ठीक, और गामा रे के बारे में देखिए क्या है। गामा रे के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे उच्च आवृत्ति की तरंग है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, अधिकतम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और लैम्डा बिल्कुल मिनिमम है। ठीक है, इसके अलावा आपसे लिखो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा हाई है, भेदन क्षमता मैक्सिमम, जिसको पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम है। इसके अलावा आपसे आ जाए आयनीकरण क्षमता न्यूनतम। तो ये आपका चीज़ें होती गामा रे, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। यूजेज में आ जाओगे तो रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में यूज होता है। ठीक, अब सेकंड देखो, ये इसके बाद भी अगली आती है गामा रे के बाद, दूसरी आती है एक्सरे। सेकंड, ये ऑर्डर वाइज है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक्सरे, गामा रे के बाद आती है एक्सरे। तो एक्सरे के खोजकर्ता रॉन्जन, फादर ऑफ एक्सरे। देखेंगे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो होती है सेकंड हाईएस्ट, ये सेकंड लोवेस्ट, मतलब कि उसके बाद कम होती है। और इसके बाद याद रखो इसका 0.1 एंगस्ट्रॉम से फोर एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक्सरे के जो यूजेज होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने में, हड्डी की टूट फूट का पता लगाने में, क्रिस्टल की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में, ये हो गया, ठीक है ना। एक्सरे का उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो ये इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं एक्सरे के। फिर गामा रे के बाद एक्सरे के बाद यूवी रे आता है, एक्सरे के बाद आता है यूवी रे, ध्यान दो। तो यूवी रे, तो इसी तरीके से अब फ्रिक्वेंसी कम होती जा रही है, ठीक है, पराबैंगनी किरणें। और हम आपको एक बात बताएं कि हम इसकी फ्रिक्वेंसी और ये जो चीज़ है, ये अगर आपको नोट करनी है तो अपना नोट कर लेना, लूसेंट में दिया, हम नोट नहीं करा रहे, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट वैल्यू में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। फिर लड़के पूछते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो हम फिल इन द ब्लैंक छोड़ देंगे, आपको भरना है। कि यूवी रे के खोजकर्ता, पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता जो थे वो रिटर थे, फादर थे। इसकी फ्रीक्वेंसी, और देखो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, जो हम ऑर्डर बता रहे हैं इसमें फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, लैम्डा बढ़ती जाएगी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उससे कम होती जाएगी, लैम्डा बढ़ती जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी और इसकी रेंज जो है
फ्रीक्वेंसी रेंज और लैम्डा रेंज, ये अपना फिल इन द ब्लैंक्स अपना नोट करते जाना सबके लिए है, अब आपके लिए ही फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे बुक से नोट कर लेना और चाहे आप गूगल से नोट कर लेना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की रेंज। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आप जैसे जैसे गामा रे, एक्स रे, फिर यूवी रे, फिर विजिबल रे, ये अभी हम बताएंगे, विजिबल के बाद में गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, विजिबल रे के बाद इंफ्रा रेड, औरक्त के बाद रेडियो, माइक्रो, माइक्रो के बाद रेडियो, ये इसमें आपका फ्रीक्वेंसी घटेगी लैम्डा बढ़ेगी। इनके यूजेस इंपॉर्टेंट है, यूजेस देखो, पराबैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ होता है, पराबैंगनी किरणों जीवाणुओं को नष्ट करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में, तो ये सेल्स को नष्ट करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने में, जल के शोधन में, जल को प्यूरीफाई करने में, प्यूरीफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरीफिकेशन ऑफ वाटर वेरीफाई, प्यूरीफिकेशन ऑफ वाटर करती है, जल का शोधन करती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, करेंसी जांच, करेंसी नोटों की जांच, कागजों की जांच साजी, करेंसी नोटों की जांच भी इसी से ही होती है, ये आ चुका है एक बार एनडीए में, करेंसी नोटों की जांच जो है वो पराबैंगनी किरणों द्वारा होती है, नोट की जांच करने में पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी द्रस, तो द्रस किरणों में, द्रस विजिबल, तो विजिबल वाला पार्ट जो है, दृश्य किरणें जो होती हैं, दृश्य किरणों के खोजकर्ता न्यूटन थे, फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, लैम्डा ज़्यादा हो जाएगी, इसकी रेंज आपको नोट करनी है कि क्या होगी, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है, ये क्या करता है, प्रकाश फैलाता है और वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, प्रकाश फैलाता है वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, इसीलिए ये खुद भी विजिबल है और इसकी रोशनी में बाकी भी विजिबल है, प्रकाश को देखने में सहायता, मतलब देखने में सहायता करता है, इसे खोजकर्ता न्यूटन थे। इसके बाद दृश्य किरणों के बाद में आता है अवरक्त, अवरक्त, दृश्य किरणों के बाद आता अवरक्त, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें आती हैं, दृश्य किरणों के बाद में आती है अवरक्त किरणें, ठीक है, दृश्य किरणों के बाद में आती है अवरक्त किरणें, ठीक, ये आपके सामने लिखी है, दस किरणों के बाद में अवरक्त किरणें आ रही है, क्लियर। अब हम अवरक्त किरणों के बारे में बात करें, तो अवरक्त किरणें बेटा क्या होती है, अवरक्त किरणों के खोजकर्ता कौन थे, हर्सेल, अवरक्त किरणों के जो फादर थे वो हर्सेल थे, हर्सेल, हर्सेल। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी लैम्डा आपको लिखनी है, ये हम इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं लिखवाएंगे, आपको सजा ने लिखाया था, आप खुद गूगल करके नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी रेंज जो होती है, रेंज फिक्स नहीं होती है, फिर आप लोग बुक से, हर बुक से अलग अलग भेजने लगते हो, सर आपने ये लिखाया, हमने कुछ लिखाया ही नहीं, इसीलिए रेंज अपना गूगल करो या बुक से नोट करो खुद। अवरक्त किरणें, ठीक है, खोजकर्ता हर्सेल थे, इनका यूज़ लिखा देना है टीवी रिमोट में, टीवी रिमोट क्योंकि रेड कलर की होती है, टीवी रिमोट से रेड निकलती हैं। इसके अलावा पौधों को हरा बनाए रखने के लिए, जो लोग जमा बनाए रखने के लिए कीमोथेरेपी या कुछ थेरेपी लेते हैं ना, रेडिएशन लेते हैं, तो वो रेडिएशन यही रहता है, पौधों को हरा बनाए रखने के लिए, जवा रखने के लिए, तो कुछ लोग जवा रखने के लिए अपने चेहरे पे रेडिएशन लगाते हैं, आपने देखा होगा फेयर एंड लवली का ऐड आता है कि रेडिएशन वाला, कि ना रेडिएट करके रेडिएशन दे रही चेहरे को, ब्लड सेल्स को जिंदा कर रही है, तो ये जो किरणें जो चेहरे पे डाली जाती हैं वो चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए, जवा बनाने के लिए, वो यही होती हैं। और ये होता कोहरे में फोटोग्राफी में, ये बहुत आता है, कोहरे में फोटोग्राफी करने में किसका इस्तेमाल होता है, तो कोहरे में फोटोग्राफी करने में भी अवरक्त किरणों का इस्तेमाल होता है, अवरक्त, कोहरे में फोटोग्राफी करने में अवरक्त किरणों का इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है, ठीक, कोहरे में फोटोग्राफी में, टीवी रिमोट में, पौधों को हरा बनाए रखने के लिए, ये जो है ये सब चीज़ें अवरक्त किरणों का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, अगला देखो, अगला क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, अगला पॉइंट देखेंगे क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अब हमारी बात आ रही है माइक्रो की,
तो माइक्रोवेव्स में आते हैं। माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, जरा ध्यान दीजिए, माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगें। तो सूक्ष्म तरंगों में आ जाओ, तो सूक्ष्म तरंगों में आ जाओगे तो सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं, माइक्रोवेव्स जो होती हैं, तो माइक्रोवेव्स के खोजकर्ता एक्चुअल में इनको हम शॉर्ट रेडियो माइक्रो हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स भी नाम है इनका। तो शॉर्ट रेडियो वेव्स के खोजकर्ता, माइक्रो तरंगों के खोजकर्ता थे हर्ट्ज थे इनके फादर। सूक्ष्म तरंगों के खोजकर्ता जो थे वो हर्ट्ज थे, या कभी भी आ जाए लघु रेडियो तरंगों के खोजकर्ता तो हर्ट्ज आ जाएगा, या माइक्रोवेव्स का मतलब ही होता है सूक्ष्म तरंगें। तो ये सूक्ष्म तरंगें होती हैं। अब इनका फ्रीक्वेंसी लैम्डा तो तुमको लिखनी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लैम्डा क्या है, ये रेंज तुम्हें लिखनी है। हम इसका यूज बता रहे हैं। तो कभी भी आ जाए कि हीटिंग इफेक्ट कौन सी देती है, जो तरंग कभी भी आ जाए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग हीटिंग इफेक्ट देती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मी प्रभाव उत्पन्न करती है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग ऊष्मी प्रभाव उत्पन्न करती है, तो आपका आ जाएगा माइक्रोवेव्स। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हीट कर करके खाना बनाती है, हीटिंग इफेक्ट देती है और खाना बनाती है, खाना बनाने में सहायक है। माइक्रोवेव ओवन इसीलिए बोला जाता है, माइक्रोवेव ओवन। ओवन में जो खाना बनता है उसमें इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हीटिंग प्रभाव देती हैं, हीट प्रभाव देती हैं। तो कभी भी आ जाए ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो खाना बनाती हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोवेव्स। ये है माइक्रोवेव्स, ये एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जो हीट करके खाना बनाती है, तो इसका यूज हो गया खाना बनाने में। इसके बाद अगली हेडिंग आती है रेडियो वेव्स, नेक्स्ट हेडिंग है रेडियो, शॉर्ट रेडियो के बाद केवल रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें। तो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल देखिए, रेडियो तरंगें, तो रेडियो तरंगों के पहली बात तो खोजकर्ता मार्कोनी थे। खोजकर्ता कौन थे? रेडियो तरंगों के जो खोजकर्ता थे वो मार्कोनी थे, मार्कोनी। और रेडियो वेव्स के जो फादर थे वो मार्कोनी थे, ये क्लियर हो गया मार्कोनी। इसके अलावा देखो फ्रीक्वेंसी में लिखोगे, फ्रीक्वेंसी ये लिखो न्यूनतम, इससे कम कोई नहीं हो सकता, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मिनिमम होती है, कितनी होती है ये तुम्हें लिखना है, लेकिन हम ये बता दे रहे हैं मिनिमम। और जो लैम्डा होती मैक्सिमम होती है, अगर आ जाए किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी लैम्डा अधिकतम है, अधिकतम उससे ज़्यादा कोई नहीं है, तो वो होती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और लैम्डा मैक्सिमम होती है, कितनी होती है वो आप आगे अपना सर्च करना, रेंज खुद सर्च करना, रेंज तुम्हें सेल्फ सर्च करनी है, रेंज करो सर्च, सारी जितनी हमने दी दी होमवर्क है आज का सर्च करना है। और इसके यूज हम बता दे रहे हैं, यूज इसका क्या हो जाएगा, यूजेज ऑफ रेडियो वेव्स में जब आओगे तो यूजेज ऑफ रेडियो वेव्स जो होगी, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल जो होगा, रेडियो तरंगों का जो इस्तेमाल होता है वो होता है संचार, संचार माध्यमों में, संचार माध्यम लाइक सैटेलाइट, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, ये सब। तो नोट कर लीजिए, ये आपका वेव वाला पार्ट में हमने इतना बताया कि कौन कौन सी वेव हैं। हेलो हेलो हेलो, बोलिए। हाँ चालू, बेटा चालू है, क्लास चल रही है, ठीक है ना। हाँ छपेड़ा बोलिए, मैं छपेड़ा बोलिए, क्या कर रही, कहाँ पे यार, छपेड़ा बुलिया की कर रही, अरे अजीब आदमी हो, कहाँ पूछ रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हो, कौन सी जगह पढ़ना है तुम्हें, अरे यार हाँ तो यही आप बोले पूरा छपेड़ा बुलिया में, टाइमिंग अलग अलग है ना सब जगह की, छपेड़ा बुलिया में शाम को है, शाम को 6:30, ठीक।
देखिए रडार में रेडियो वेव्स इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो जैसे यूजर्स में लिखो रडार, रडार वाले में रडार भी एक तरीके, रडार में रेडियो वेव्स होता है, रेडियो कम्युनिकेशन, तो यूजर्स ऑफ रेडियो वेव्स में लिख लो रडार, वे रडार में इस्तेमाल होता है, ठीक है, रडार। टीवी रिमोट में हमने बता ही दिया इंफ्रारेड, ठीक है, जो डिजिटल कैमरा भी कह सकते हो, जो डिजिटल कैमरा, कैमरे में कौन सी रे इस्तेमाल होती है तो याद रखना, कैमरे में लाल है ना, क्लिक करते हो लाल बत्ती जल जाती है, तो टीवी कैमरे में कभी भी आ जाए, कैमरे में, तो कैमरे में तुम्हारी कौन सी होगी, औरत। कैमरे में अगर आपसे डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा आ जाए तो भी आपको लिखना औरत किरणें, ठीक है ना, थोड़ा सा तैयारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग परेशान होंगे। एक बात देखो बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, डिजिटल कैमरा औरत किरणें इस्तेमाल करेगा, औरत किरणें, ठीक है, औरत किरणें इस्तेमाल करेगा, डिजिटल कैमरे में औरत किरणें इस्तेमाल होती हैं, डिजिटल कैमरे में औरत किरणें इस्तेमाल होती हैं, क्लियर। चलो बेटा इसके बाद हम आते हैं एक बात और, अनुप्रस्थ और रंधैर में एक चीज़ और, हाँ अनुप्रस्थ और रंधैर का एक और डिफरेंस नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हमने आपको डिफरेंस बता दिया, अब आज कल हम आपको फिर इक्वेशन वाइज समझाना स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको याद करने वाला पार्ट है, और आप इसके नोट्स अच्छे से बनाएंगे चलेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे सब भूल जाएंगे। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में एक बात ध्यान देना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य वाले में, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का कॉन्सेप्ट है, ठीक, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ठीक, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, एक बार बार समझा दे रहा हूँ कि क्या होगा, अनुप्रस्थ वाले में आपको क्या करना है, अनुप्रस्थ वाले में याद रखिएगा ध्रुवण होता है, ध्रुवण प्रदर्शित होता है, और अनुदैर्ध्य ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करता, पोलराइजेशन नहीं देता, ये ध्यान देना, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इसमें नहीं होता है, इसमें पोलराइजेशन होता है, इसीलिए लाइट वेव, प्रकाश तरंग, प्रकाश जो है, प्रकाश तरंग जो लाइट है, लाइट वेव, लाइट वेव जो है वो तुम्हारी क्या है, लाइट वेव, प्रकाश तरंगे जो हैं, लाइट वेव जो है वो प्रकाश तरंग ध्रुवण प्रदर्शित करती है, इसलिए अनुप्रस्थ है, और ध्वनि तरंग ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती है, इसलिए ध्वनि तरंग जो है साउंड वेव वो तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल है। अजीत आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।